हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषभ शुक्ला और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एनडीसी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और उन इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। ये वीडियो खासकर मैं ये उन बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ जो अभी 10th पास करके 11th में आ गए हैं या फिर आने वाले, ठीक है। उनको कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग कॉमर्स ले तो ले, लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इनमें क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी और इकोनॉमिक्स होती क्या है और हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाई है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी of the use of scarce resources that have alternative use. इससे आने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम इकोनॉमिक्स का नाम लेते हैं तो दिमाग में आता होगा कि पैसे से रिलेटेड समथिंग हो सकता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड समथिंग हो सकता है ना, आता है दिमाग में क्या इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब पैसे से लेना देना होगा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं करता, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। स्केयर्स का मतलब होता है किसी चीज की मार्केट में अगर शॉर्टेज होती है तो उसको बोलते हैं स्केयर्स। जैसे हम बात करें पैसा, पैसा हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पैसे का पेड़ लगा हुआ है जितना चाहो तोड़ लो, पैसा लिमिटेड है, ठीक। लेकिन आपकी इच्छाएं, ठीक है, आपकी इच्छाएं क्या है, बहुत ढेर सारी है आपके पास। अगर सपोज करें 1,00,000 रुपए आपको दिया जाए, ठीक है, आपके पास 1,00,000 रुपए है, आप 1,00,000 रुपए में घूमने भी जाना चाहते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर बाइक भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए, तो आपके देखो इसी रिसोर्सेज से क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, सेम ही 1,00,000 रुपए के, ठीक है। आप इसे वैकेशन पे भी जाना चाहते हो, ठीक है, आपको बाइक भी चाहिए और आईफोन भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे रिसोर्स क्या है, 1,00,000 रुपए, हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर्स है, लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन हमारी जो डिजायर है, जो वॉन्ट है, ठीक है, हमारी जो इच्छा है वो कभी बढ़ती नहीं है, वो बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है। आप एक बार आईफोन ले लोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर नया आईफोन आएगा, तो फिर आपको ईगरनेस होती है कि यार नया आईफोन लेते उसमें नए फीचर्स आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो नीड है वॉन्ट से कभी वो खत्म नहीं होती है, ठीक है, वॉन्ट्स हमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक। तो उनको किस तरीके से ह्यूमन, ठीक है, इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, इसी चीज को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स में यही देखोगे कि एक ह्यूमन, ठीक है, एक आदमी, ठीक है, ये एक आदमी है, ये किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा अपने अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं कि एक आदमी किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने आप को सेटिस्फाई करता है, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम टाइम का भी एग्जांपल लेते हैं। टाइम क्या है, इट इज अ रिसोर्स, ठीक है, टाइम भी एक रिसोर्स है। अब टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, सपोज तुम्हारा एग्जाम चलने वाला है, ठीक है, सपोज आपका एग्जाम चलने वाला है, अब एग्जाम टाइम पे आपको कोई फेवरेट मूवी आ गई, ठीक है, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, टाइम सिर्फ 3 घंटा आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। अब या तो उस 3 घंटे में आप मूवी देखोगे, ठीक है, मूवी करोगे, या तो फिर आप उस टाइम पे स्टडी करोगे, ये दो काम है, लेकिन टाइम तो आपके पास 3 ही घंटे, 3 आवर्स है, या तो 3 घंटे की मूवी देखोगे या तो फिर 3 घंटे में आप पढ़ाई कर लो। तो आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे, किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, इसी चीज को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, इसी को इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आपको आपके सिलेबस में क्या है, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है,
इकोनॉमिक्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर जो वर्ड माइक्रो लिखा है ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल ठीक है, तो जो भी हम यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे वो एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ेंगे ठीक है। आप इसको याद करना चाहते हो तो आई यहां पर लिखा है, इस आई का मतलब समझ लो इंडिविजुअल ठीक है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे या किसी एक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं ठीक है। एक कंज्यूमर किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अराइज करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना चाहता है उससे ठीक है। तो वो सारी पढ़ाई हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि आप 11th में पढ़ते हैं ठीक है, 11th क्लास ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th क्लास में पढ़ते हैं ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर ठीक है, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर ठीक है, किस तरीके से अपनी बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा ठीक है, और ये किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से अपनी नीड को अपनी बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ना, 1,00,000 रुपए थे, हमें बाइक भी चाहिए थी, हमें घूमना भी था और आईफोन भी चाहिए था। आप 1,00,000 रुपए में एक ही चीज कर सकते हो, या तो आप अच्छे से घूम के आ जाओ या बाइक ले लो या तो फिर आईफोन ले लो ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें भी आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप वो काम करोगे। इसी तरीके से आप प्रोड्यूसर हो, मार्केट में बहुत सारी चीजें बनती है लेकिन आपके पास जो पैसा है, जो पैसे से आप बनाओगे चीजें ठीक है, आपके पास जो कैपिटल है वो तो लिमिटेड है ना, तो आपको ऐसी चीजें बनानी है। किस तरीके से डिसाइड करोगे कि आपको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है। और अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो का मतलब होता है लार्ज ठीक है, मैक्रो का मतलब है लार्ज। अगर इसको याद करना है तो आप यहां पर जो ए लिखा है इसका आप बना सकते हो ऑल या फिर एग्रीगेट ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे थे ठीक है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यहां पर हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, मतलब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी एक इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, वो किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बनेंगे। अब यहाँ पर और मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जितने भी पूरे कंट्री में, जितने भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैं या फिर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सबकी डिमांड सबकी सप्लाई को जो हम टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है। यहाँ पर एग्रीगेट का भी मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ठीक है, या सम टोटल ऑफ हम लोग कह सकते हैं एग्रीगेट का मतलब ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी ऐसा बोल पड़ते हैं, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पा सके या फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को, एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट मैं आपको लास्ट में बताऊं, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट वेल्थ ठीक है, अगर आपको वेल्थ के बारे में जानना है, पॉवर्टी के बारे में जानना है ठीक है, किस तरीके से जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स कैसे आती हैं उसके बारे में जानना है ठीक है, प्राइसेस किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं, कैसे प्राइसेस डिफाइन होते हैं। मान लो जैसे मार्केट में कोई भी चीज मिल रही है ठीक है, हम मानते हैं पानी की बॉटल ठीक है, पानी की बॉटल का प्राइस 20 रुपए कैसे तय हुआ ठीक है, तो कैसे प्राइसेस तय होती है उसके बारे में अगर जानना है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ठीक है। प्राइसेस हो गए, प्राइसेस किस तरीके से कंट्रोल होते हैं ये जानना है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो ठीक है। आउटपुट कैसे, या फिर हमें ग्रोथ कैसे करनी है अपनी इकोनॉमी की ठीक है, किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो इकोनॉमी की, किस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ होगी हर साल, किस तरीके से नेशनल इनकम हम बढ़ा सकते हैं या फिर किस तरीके से नेशनल इनकम वर्क करती है, किस तरीके से नेशनल इनकम निकाला जाता है, ये सब आपको अगर पढ़ना है तो आप
इकोनॉमिक्स दे सकते हैं, ठीक है। प्राइसेस वगैरह भी डिटरमाइन होते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जैसे महंगाई, ठीक है, महंगाई किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, मनी कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है, मनी किस तरीके से सर्कुलेट होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, मतलब हमारे मार्केट में कितना पैसा लगा है, कहां से आया है, कैसे आया है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं, बैंक्स कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, ठीक है, बैंक में आप जाते हो, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, उल्टा बैंक आपको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, तो बैंक कहां से कमा रही है, कभी सोचा है आप लोगों ने, अगर नहीं सोचा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं कि आप बैंक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, बैंक कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। यहां पर तो आपको नहीं दिख रहा ना, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, आपका पैसा, वो पैसा पूरा आपको मिलेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वो बैंक पैसा कहां से ला रही है, किस तरीके से कर रही है, ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है, जानना है कि वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, अपने डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हैं ना, सारी चीजें एकदम चल रही हैं, ट्रेड किस तरीके से होते हैं, ठीक है, दो कंट्रीज आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करती हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में काफी मजा आता है, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा समय, अब मैं बता देता हूँ आपको इलेवेंथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इलेवेंथ में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, आप अभी टेंथ में पढ़ के आए होंगे, याद होगा आपको मीन मीडियन मोड वगैरह, ये सारी चीजें आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे। ये आपका इलेवेंथ का है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिक्स, ठीक। जब आप ट्वेल्थ में पहुंचोगे तो ट्वेल्थ में आपको पढ़नी पड़ेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक और सब्जेक्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स में ही, इसको लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। यहां पर आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, किस तरीके से हम 1947 से, हमारे बेसिकली हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चलती है और क्या प्रोग्राम्स लाए गए, किसकी वजह से हमारी इकोनॉमी आज के टाइम में इतना ग्रो कर रही है, ये सारे डिटेल्स आपको इंडियन इकोनॉमी में मिलेंगे। आप इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे कि हमारी इकोनॉमी किस चीज से बनी हुई है, हमारे कॉम्पोनेंट्स क्या है इकोनॉमी के, ठीक है। आप लोगों ने एलपीजी के बारे में सुना होगा, ठीक है, एलपीजी वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में समझ लेना गैस, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके आने के बाद हम लोग ओपन इकोनॉमी हुए, फिर हमारी ग्रोथ हुई, अच्छी खासी ग्रोथ हुई, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स देख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।